नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारत में चीन और रूस से कम भ्रष्टाचार, स्थिति में सुधार नहीं। भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति चीन और रूस से बेहतर होने के बावजूद वर्ष 2014 जैसी ही बनी रही, जबकि डेनमार्क सबसे सफल देश रहा। भ्रष्टाचार से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ताजा अध्ययन में यह बात सामने आई है। संस्था ने विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति को मापने के लिए एक इंडेक्स बना रखा है। इस इंडेक्स में भारत 38 अंकों के साथ गत वर्ष के अपने 76वें स्थान पर बना हुआ है। चीन 37 अंकों के साथ 83वें और 29 के साथ रूस 119वें स्थान पर है। तहरीक तालिबान को बड़ा झटका, मारा गया मुल्ला फजलुल्लाह। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख मुल्ला फजलुल्लाह का मुल्ला रेडियो, जिसका उपयोग वह अपने प्रसारणों के माध्यम से अपने संगठनों की ओर युवाओं को आकर्षित करने और उन्हें आतंकवादी बनाने के लिए किया करता था, अब शांत हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मुल्ला फजलुल्लाह सोमवार की रात अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में एक ड्रोन हमले में मारा गया। 2014 में ड्रोन हमलों में भी उसके मारे जाने की खबरें कई बार आई थी, किंतु वह सच नहीं निकली। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में अल्लाह के निवास पर हमला किया गया, जिसमें वह मारा गया। बिहार में मंदिर तोड़ने गई पुलिस पर पथराव, 5 घायल। बिहार में वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के बगमली मोहल्ले में मंगलवार देर रात मंदिर तोड़ने गई पुलिस पर आक्रोशित लोगों ने जमकर पथराव कर 5 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया तथा सहायक पुलिस अधीक्षक के वाहन को जला दिया। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस कल रात बगमली मोहल्ले में स्थित वासुदेव मंदिर को तोड़ने गई थी। मंदिर के पास अभी भी ग्रामीण डटे हुए हैं और समीप ही पुलिस भी कैंप कर रही है। यौन उत्पीड़न मामले में योग गुरु विक्रम चौधरी पर 6 करोड़ का जुर्माना। भारतीय मूल के अमेरिकी योग गुरु विक्रम चौधरी को अपनी पूर्व वकील को करीब 6 करोड़ 28 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया है। अमेरिका की एक अदालत ने सोमवार को यौन उत्पीड़न के मामले में योग गुरु को यह जुर्माना लगाया। विक्रम योगा के 69 वर्षीय संस्थापक योग गुरु पर आरोप है कि उसने यौन उत्पीड़न की जांच कर रही वकील का यौन उत्पीड़न किया। लॉस एंजलिस जूरी ने तकरीबन एक दिन तक इस पर चर्चा की और मीनाक्षी के पक्ष में फैसला सुनाया। पाकिस्तान में लहराया तिरंगा, विराट कोहली का प्रशंसक गिरफ्तार। भारत के आक्रामक बल्लेबाज विराट कोहली के एक पाकिस्तानी समर्थक को पंजाब प्रांत के अपने घर की छत पर भारतीय तिरंगा फहराने के लिए गिरफ्तार किया गया है। प्रशंसक ने कोहली के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए तिरंगा फहराया था। लाहौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर पंजाब प्रांत के ओकारा जिले में उमर दराज को शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने अपने घर की छत पर भारतीय ध्वज फहराया है। दराज ने कहा कि मैं विराट कोहली का बड़ा प्रशंसक हूं, मैं कोहली के कारण भारतीय टीम का समर्थन करता हूं। घर की छत पर तिरंगा फहराना भारतीय क्रिकेटर के प्रति मेरे प्यार को दर्शाता है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।